जिला अस्पताल में पदस्थ नर्सिंग संवर्ग स्टाफ ने वेतन विसंगति दूर करने, रात्रिकालीन आकस्मिक चिकित्सा भत्ता देने जैसी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की राह अख्तियार की है। मंगलवार को अस्पताल परिसर में नर्सों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में चेतावनी देते हुए कहा कि शासन उनकी मांगे नहीं मानता है तो 10 जुलाई से काम बंद कर देंगे। इस दौरान मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। 2018 में भर्ती नियमों में संशोधन 3000 से बढ़ाकर 8000 रुपए किए जाने जैसी मांगों को लेकर प्रदेश भर में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन लगातार मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाता रहा है, लेकिन हर बार शासन से महज आश्वासन ही मिलते रहे हैं। मजबूरन चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी 10 जुलाई तक शासन यदि मांगे नहीं मानता है तो काम बंद करने को बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। 3 तारीख से नर्सिंग एसोसिएशन ऑफिसर ने चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया, किन मांगों को लेकर क्या गया है? हम लोग हमारा आंदोलन कल से शुरू किया है, 3 तारीख से लगत 10 तारीख तक चलेगा। उसमें पहला था, हमने ज्ञापन सौंपा कलेक्टर साहब को, सीएम सिविल सर्जन को, कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने सीएम मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग है ग्रेड 2 करने की, दूसरी मांग है रात्रिकालीन भत्ता, तीसरी मांग है स्टूडेंट जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका स्टाइफंड बढ़ाया जाए, और पदोन्नति का चौथा मुद्दा है जो कि विचार अपना न्यायालय में विचाराधीन है। अगर जब तक उसका निर्णय नहीं आता है तब तक हमारा अपने पुरानी सीनियरिटी के हिसाब से उनको उनका पद दिया जाए। किन किन वार्डों के आप लोग हैं? हम पूरे हॉस्पिटल के और पेंशन, जो ओल्ड पेंशन है जिनको सन 2005 के बाद जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पेंशन नहीं है, वो पेंशन लागू की जाए, और जो अभी नई भर्ती कर रहे हैं 70-80 का जो फार्मूला ये लोग लेके आए हैं उसको बंद किया जाए। आपकी मांगे नहीं मानी तो हम लोग 10 तारीख को काम बंद हड़ताल करेंगे। क्या नाम है? मेरा श्रीमती आशा मेहता। हड़ताल नहीं है, अभी हमारा आंदोलन है, ये अभी हम हड़ताल पर नहीं है, ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है। कल हमने ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी है और आज प्रेस वार्ता करके हम ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि हमारी मांगों के ऊपर विचार किया जाए, हमारी मांगों को माना जाए। अभी हमारा 10 तारीख तक का अगर सुनवाई नहीं होती तो हम 10 तारीख से काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। आंदोलन किस प्रकार से कर रहे हैं? पहला आंदोलन हमारा ज्ञापन का था 3 तारीख को, दूसरा हमारा आज प्रेस वार्ता करके सूचना देना था, तीसरे दिन हम 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे, चौथे दिन हम 2 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करके जाएंगे, फिर 5वें दिन हम आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, और रूपरेखा बनाने के बाद फिर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और आपके हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो सकती है? हड़ताल के पर अगर काम बंद हड़ताल पर जाएंगे तो परेशानी तो होगी ही, उसके लिए हमने सूचना सिविल सर्जन और कलेक्टर साहब को दी है, वो व्यवस्था करेंगे। श्रीमती शोभा गुप्ता, नर्सिंग को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।